हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट सीज़न में भी मैं मतलब टिकट खरीद के आप लोगों के लिए एक एडवांस वीक में जैसे मिशंस एक्सप्लेन करता रहा, और इस सीज़न में भी मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वीक 3 से। अभी कंटिन्यू वीडियोस आएंगी मतलब एडवांस वीक पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मतलब मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट, कन्फ्यूजन्स वगैरह कुछ है तो भाई फील फ्री, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइड करूँगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के कंटेंट की तरफ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने रॉयल पास में, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये मिशन्स है अभी। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट बोलूँगा फिनिश इन द टॉप 3 टाइम्स इन स्क्वाड क्लासिक मोड, यानी कि आपको 3 टाइम्स स्क्वाड में क्लासिक मोड में आप जैसो टॉप 3 में आना है आपको, चाहे वो एशिया सर्वर है, वो कौन सा भी सर्वर हो, ठीक है। आपके मतलब फ्रेंड्स के साथ खेलो या फिर आप रैंडम खेलो, जैसे भी खेलो, बस स्क्वाड में टॉप 3 में आना है 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसके आपको आरपी पॉइंट 75 मिल जाएंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं 3 स्किप कार्ड से ये स्किप हो सकता है। उसके बाद आता है अपना किल 20 एनिमीज इन द मिलिट्री बेस एरिया, यानी कि आपको मिलिट्री बेस एरिया में मतलब 20 बंदों को मारना है। कोई भी सर्वर आप लगा लो, दिक्कत नहीं है। आप आर्केड खेलो या फिर क्लासिक खेलो, वो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वॉर मोड में ये काउंट नहीं होता। तो 20 बंदों को आपको मिलिट्री बेस एरिया में मारना है। इसके आपको आरपी पॉइंट्स मिलेंगे 150, और ये 6 स्किप कार्ड से स्किप हो सकता है। और ये मिशन आप मतलब सोलो, डीओ या फिर स्क्वाड, एफपीपी, टीपीपी, कोई भी मतलब मोड लगा के आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपना गेट ए स्मोक ग्रेनेड इन 20 मैचेस। तो ये भी सेम है भाई, आप चाहे क्लासिक खेल लो या फिर आर्केड खेल लो, ठीक है, सभी में ये काउंट होता। तो आपको अगर आप एक मतलब मैच में स्मोक ग्रेनेड पिक करते तो यहाँ पर एक काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर मतलब एक मैच में 2 पिक कर लो तो 2 काउंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप क्लासिक लगा सकते हैं, सोलो, डियो या फिर स्क्वाड, और या फिर मतलब आर्केड खेल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके मिलेंगे आपको 75 RP पॉइंट्स, और ये 3 स्किप कार्ड से स्किप हो सकता है। तो उसके बाद आता है अपना डील ए टोटल ऑफ 500 डैमेज टू एनिमीज हेड्स, यानी कि आपको 500 मतलब 500 डैमेज मतलब डील करना है एनिमीज़ के हेड को। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप समझो AWM से मतलब एक बंदे को हेड शॉट दे रहे तो आपको 100 डैमेज मिलता। तो इसी तरीके से मतलब 500 डैमेज तक आपको लेना है, चाहे वो स्क्वाड हो, स्क्वाड में हो, डीओ में हो, सोलो में हो, दिक्कत नहीं है, आर्केड हो या क्लासिक हो, ठीक है ना। तो इसके आपको आरपी पॉइंट्स मिलेंगे 75, और ये 3 स्किप कार्ड से स्किप हो सकता है। इसके बाद आता है अपना लैंड ऑन टॉप ऑफ एनी बिल्डिंग इन सैन मार्टिन 3 टाइम्स, यानी कि आपको मतलब सैन मार्टिन मिरामर में जो मैप में सैन मार्टिन एरिया है उसके कोई बिल्डिंग्स पे 3 टाइम्स जो है आपको लैंड करना है। तो इसके आपको आरपी पॉइंट्स मिलेंगे 50, और ये 2 स्किप कार्ड से स्किप हो सकता है। उसके बाद आता है अपना किल ए टोटल ऑफ 20 एनिमीज विथ SMG इन क्लासिक मोड, यानी कि आपको मतलब SMG थॉम्सन या फिर यूजी, यूजेडाई, या फिर आप ले लो UMP9, कोई भी मतलब SMG गन ले लो, उससे 20 किल करना है आपको कोई भी एरिया में। मतलब मैप और एरिया कुछ ऐसा स्पेशली कुछ भी नहीं है, और ये आपको करना है सिर्फ और सिर्फ क्लासिक मोड में, ठीक है, आर्केड में ये नहीं होगा। और आप ये सोलो या फिर डीओ या फिर मतलब स्क्वाड किसी में भी कर सकते हैं। तो इसके आपको आरपी पॉइंट्स मिलेंगे 100, और ये 4 स्किप कार्ड से स्किप हो सकता है। इसके बाद आता है अपना किल 10 एनिमीज और मोर इन ए सिंगल मैच, यानी कि आपको 10 से ज़्यादा या फिर 10 कम से कम 10 आपको बंदे मारने हैं एक ही मैच में, ठीक है। तो यहाँ पर आप आर्केड में तो 10 बंदे मतलब बहुत ही कम बंदे मारते होंगे, बट फिर भी बता रहा हूँ कि आर्केड में मुश्किल है ये। तो आप ट्राई करो क्लासिक में 10 बंदे आप इजीली मतलब आपके स्किल्स के हिसाब से मार लोगे आप, ठीक है। तो इसके आपको आरपी पॉइंट्स मिलते हैं 50, और 2 स्किप कार्ड से स्किप हो सकता है। और गाइस, ये मिशन जो है ये सोलो, डियो और स्क्वाड तीनों में ही मतलब कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद आता है अपना किल 3 एनिमीज विथ M24 इन एनी मोड, यानी कि आपको M24 जो गन है
उससे आपको मतलब तीन एनिमीज को मारना है, चाहे वो आर्केड मोड हो या फिर क्लासिक, ठीक है। कोई भी आप मतलब चूज़ करके कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको M24 मिल सकती है उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आपको RP पॉइंट्स मिलेंगे 50, और ये दो स्किप कार्ड से स्किप हो सकता है। फिर आता है अपना किल थ्री एनिमीज विद अ व्हीकल, यानी कि आपको तीन बंदों को मारना है व्हीकल से, तो इसके आपको RP पॉइंट्स 50 मिल जाएंगे, और दो स्किप कार्ड से आप स्किप कर सकते हैं ये मिशन को। तो गाइज ये भी मतलब क्लासिक या फिर आर्केड दोनों ही में मतलब आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना किल 20 एनिमीज विद M16A4, यानी कि आपको 20 बंदों का मारना है मतलब M16A4 से क्लासिक में या फिर आर्केड में, एज यू विश, जैसा आप मतलब इजी समझते। तो इसके आपको RP पॉइंट्स मिलेंगे 50, और दो स्किप कार्ड से ये स्किप हो सकता है। तो गाइज देख लीजिए, ये है वीक 3 के मिशन सीजन 8 के। तो अब काफ़ी सारे बंदों को मतलब ये क्वेश्चन रहता कि भाई आप मतलब हमको क्यों नहीं खुलता ये वीक और आपके पास कैसा ओपन हो जाता। तो गाइस मैं सिंपली आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब आप रॉयल पास मतलब प्रोसेस करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको एक सीज़न 7 से मतलब ये चल रहा है, यहाँ पर एक टिकट का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, इसको क्लिक करो। और फर्स्ट आप जब मतलब फर्स्ट टाइम परचेस करोगे आप, तो आपको ये 300 UC में पड़ेगा, और सेकंड टाइम अगर आप परचेस करोगे तो 150 UC में मिलेगा, ठीक है। मतलब सेकंड मतलब सीज़न 7 में अगर आप परचेस करे थे तो 300 में पड़ेगा आपको, और सीज़न 8 में अब ये आपको 150 में पड़ेगा UC में। नेक्स्ट सीज़न जो सीज़न 9 होगा उसमें आपको मतलब ये फ्री मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं अपने एडवांस मतलब वीक ओपन करता हूँ, और इसके ऊपर मतलब आप लोगों को वीडियो बनाकर लाता हूँ। तो गाइस उम्मीद है कि ये मतलब वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ भाई लाइक कर दो वीडियो, और अगर आप लोगों का मतलब इसमें कुछ भी डाउट वगैरह है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइड करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए आए हो आप चैनल पे, ताकि मैं मतलब आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस ला सकूं, और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आप जो सो मेरी हर वीडियो से रिलेटेड नोटिफाइड हो सको। तो मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।